उदाहरण 11 प्रश्न। त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x-1 अंश, 3x-6 अंश और 4x-16 अंश हों तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। हल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए 2x-1 अंश धन 3x-6 अंश धन 4x-16 अंश बराबर 180 अंश। कोष्ठक हम हटाते हैं तो हमें मिलता है 2x-1 अंश धन 3x-6 अंश धन 4x-16 अंश बराबर 180 अंश। अब जोड़ते हैं 2, 3, 5 और 4, 9x-अंश और 7 धन में 16 ऋण में है, मतलब हो गया हमारा 9 अंश बराबर 180 अंश। यह हम इसे लिख सकते हैं 9x-अंश बराबर 180 अंश धन 9 अंश या 9x-अंश बराबर 189 अंश। तो हमें x अंश बराबर मिलता है यहाँ से 189 अंश बटे 9 अंश। 9 से भाग जाएगा, 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 9 एकम 9। इस तरह से हमें मिलता है x अंश बराबर 21 अंश। इसलिए त्रिभुज का पहला कोण 2x-1 अंश बराबर 2x-21 अंश। इसे हम लिख सकते हैं 21 दुनी 42 धन 1 अंश या 43 अंश। त्रिभुज के दूसरे कोण का मान दिया हुआ है 3x-6 अंश। x का मान रखने पर 3x-21 धन 6 अंश, 21 का 3 से गुणा करेंगे तो 63 धन 6 अंश, या हम इसको लिख सकते हैं 63 और 6 जोड़े 69 अंश। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान दिया हुआ है 4x-16 अंश। यहाँ पर x का मान रखने पर 4x-21 अंश हम लिख सकते हैं, 21 का 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 84x-16 अंश। 84 में 16 घटाएंगे तो हमें मिलता है 68 अंश। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोण हमें मिल जाते हैं। पहले कोण का मान है 43 अंश, दूसरे कोण का मान है 69 अंश और तीसरे कोण का मान है 68 अंश। यह इस प्रश्न का उत्तर।